एक फौजी के रुतबे से बड़ा कोई और रुतबा नहीं होता, वर्दी की शान से बड़ी कोई और शान नहीं होती, और अपने देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में 9 सितंबर 1974 को कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म हुआ था। पालमपुर में घुंघर गांव में भी आज भी उनके बहादुरी की कस्में खाई जाती है। देश की माटी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले कैप्टन बत्रा ने कारगिल के 5 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जीतने में मुख्य भूमिका निभाई थी। जोश और साहस ऐसा था कि गोलियों से छलनी होने के बाद भी वह मरने से पहले अपने साथियों को बचाते रहे। खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वेद प्रकाश मालिक ने तब कहा था कि यदि कैप्टन विक्रम बत्रा जिंदा वापस होते तो आज वह आर्मी के हेड बन जाते। वह महज 24 साल की उम्र में देश के लिए वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन अपने पीछे यादों जज्बातों का ऐसा समुंदर छोड़ गए हैं जिसमें हर हिंदुस्तानी का मन बार बार डुबकी लगाने का करता है। तारीख थी 19 जून और साल था 1999। कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में सेना पाकिस्तानी घुसपैठियों को 5,140 से खदेड़ दिया था। यह युद्ध नीति के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि यह कारगिल का सबसे ऊंचा पॉइंट था। चढ़ाई सीधी थी और यहीं ऊपर छिपे बैठे घुसपैठी सैनिकों पर गोली बरसा रहे थे, लेकिन कैप्टन बत्रा इसके बाद नहीं रुके। वह अगले पॉइंट 4,875 के लिए चल गए, जो समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर था। कैप्टन बत्रा अपनी हर जीत के बाद कोर्ट में कहते थे कि ये दिल मांगे मोर। कैप्टन बत्रा की साहस के कई किस्से हैं। उन्हीं के साथ ही नवीन ने 7 जुलाई के उस मनहूस दिन को याद करते हुए कहते हैं कि बंकर में मैं उनके साथ था। गोलीबारी हो रही थी, एक बम मेरे पैर के पास आकर फट गया, मैं बुरी तरह से घायल हो गया। कैप्टन ने मुझे वहां से तुरंत हटा दिया, मेरी जान बच गई। मुझसे कहा कि तुम हट जाओ, तुम्हारे बीबी बच्चे हैं। लेकिन इसके आधे घंटे बाद ही कैप्टन ने एक दूसरे अफसर को बचाते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। नवीन बताते हैं कि पाकिस्तान से घुसपैठ भी उनसे खौफ खाते थे। युद्ध के दौरान एक बार एक पाकिस्तानी घुसपैठिया चिल्लाया, बोला हमें माधुरी दीक्षित दे दो, हम नरम दिल हो जाएंगे। इस बात पर कैप्टन बत्रा ने अपनी AK-47 से गोलियां बरसाई और मुस्कुराते हुए ये लो माधुरी दीक्षित के प्यार के साथ। वह घुसपैठी सैनिक वहीं ढेर हो गया। विक्रम बत्रा ने कारगिल युद्ध को जाने से पहले कहा था कि या तो मैं लहराते हुए तिरंगे के पीछे आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपटा हुआ आऊंगा, लेकिन घर वापस जरूर आऊंगा, पर मैं आऊंगा जरूर। आखिरकार उनकी बात सच साबित हुई, लेकिन जाते जाते उन्होंने तिरंगे का मान इतना बढ़ा दिया था कि यह देश हमेशा उनका कर्जदार रहेगा। विक्रम बत्रा ने 1996 में देहरादून की इंडियन मिलिट्री अकादमी ज्वाइन की। वह मनेकसा बटालियन का हिस्सा थे। 19 महीने की ट्रेनिंग के बाद 6 दिसंबर 1997 को वह जम्मू एंड कश्मीर राइफल के 13वीं बटालियन में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात हुए। उन्हें आगे की ट्रेनिंग के लिए जबलपुर भेजा गया, जहां से 1998 के मार्च महीने में उनकी पोस्टिंग बारामुल्ला सोपर में हुई। गिरधारी लाल बत्रा और कमलकांत बत्रा के तीसरे संतान कैप्टन विक्रम बत्रा बचपन से ही होनहार थे। वह स्कूल के दिनों में कराटे में ग्रीन बेल्ट पा चुके थे। कॉलेज में हुआ नेशनल कैडेट कोर यानी कि NCC में विंग का हिस्सा बने थे। कहते हैं कि शहीद होने से ठीक पहले कैप्टन बत्रा के आखिरी शब्द थे, जय माता दी। तो दोस्तों, वीर बलिदानी कैप्टन विक्रम बत्रा का ये बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश पर मर मिटने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।